हमारे साथ बात करने के लिए देना बैंक के सीएमडी अश्विनी कुमार हैं। उनसे बात करते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में खासतौर पर नोटबंदी के बाद क्या बदलाव देखने को मिले, आने वाले दिनों में क्रेडिट बोर्ड कैसा देखने को मिल सकता है। अश्विनी सर शुक्रिया सबसे पहले समय देने के लिए। आप बुलंद में आप आए हैं, डीसी का बुलंद, और यह दूसरा साल हो रहा है। हमने देखा था पिछले साल भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी इस बुलंद पे? नहीं, मैं लास्ट टाइम भी ये प्रोग्राम अटेंड किया था, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एसजी बिजनेस और बीएससी का, और जितना उत्साह इस बार देख रहा हूँ लगता है कि आने वाले सालों में अच्छा पिकअप करेगा। सर हमने देखा है कि करीब नोटबंदी जो किया गया उसके बाद जो है उसके करीब दो महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, इसमें माना जा रहा है कि बजट में कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं खासतौर पे आम आदमी को राहत देने को लेके, आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं? नोटबंदी के बाद जो भारत सरकार का थ्रस्ट है डिजिटल पेमेंट्स के लिए, तो मेरे ख्याल से जो भी व्यक्ति अपने खर्चे डिजिटल चैनल से करता है या जो भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट डिजिटल चैनल को प्रमोट करता है उसको इनकम टैक्स में जरूर रिलीफ मिलेगी, और जो इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है उसके इन्वेस्टमेंट में भी बैंकों को छूट मिलेगी। सर आखिरी क्वेश्चन होगा, अगली क्रेडिट पॉलिसी जल्द आने वाली है, हमने देखा था लास्ट क्रेडिट पॉलिसी में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ था, इस बार के पॉलिसी में आपको लगता है कुछ रेट कट जैसी राहत भी दी जा सकती है? ये बुल रन है, मैराथन है, मेरे ख्याल से इसमें आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए तो ज्यादा अच्छा है। शुक्रिया सर जीवन से बात करने के लिए।